हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना हरजिंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ITBB इंदौर पर। यहाँ आप देख सकते हो एक 48-25 गाड़ी मैं लेके आया हूँ और इसका पूरा का पूरा काम यहीं पे हुआ है। हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से ये गाड़ी बनाई है। आप यहाँ देख सकते हैं साइड की व्यू, 16 टायर ये गाड़ी है और यहाँ इशार ट्रक बॉडी बिल्डर्स का लोगो आप देख सकते हैं, रेडियम वर्क दिल्ली जाला वर्क वहाँ पर लगा हुआ है। और साइड की बात करूँ, यहाँ आप देख सकते हो लीलैंड की गाड़ी, साइड में हमने बिल्कुल फिनिशिंग से काम किया हुआ है। अंदर की बात करूँ, आप यहाँ अंदर 3D सनमाइका देख सकते हैं, 3D सनमाइका का काम अच्छे से हुआ हुआ है। और आगे की बात करूँ तो आगे मेटेलिक काम जो है हमने कलर अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पर ऊपर की साइड के रेडियम वर्क आप देख सकते हैं गाड़ी का, खूबसूरत गाड़ी हमने यहाँ बनाई है। और पूरा का पूरा व्यू मैं आपको गाड़ी का दिखाता हूँ। ये गाड़ी जो है हमारे पास में 15 दिन के अंदर डिलीवरी दी है हमने इस गाड़ी की, और देव एंटरप्राइजेस की ये गाड़ी है। ऊपर की साइड में आप यहाँ हमारा लोगो वगैरह देख सकते हैं, फुल टेपर हमने यहाँ गाड़ी में दिया हुआ है। और पीछे की बात करूँ, इस गाड़ी के अंदर टाटा सिल्क के एंगल और यहाँ आप कलर की फिनिशिंग देख सकते हैं। अंदर का व्यू वापस से कंडक्टर साइड का व्यू आपको मैंने दिखा दिया और दिल्ली जाला प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। काम बहुत है तो हो सकता है रिव्यू थोड़ा अच्छा ना बने। यहाँ देख सकते हो वेटिंग में गाड़ियाँ खड़ी और यहाँ काम चल रहा है। पीछे की साइड में बात करूँ रेडियम का व्यू इस गाड़ी का, और पूरा डाला जो है रेडियम में बना हुआ। पीछे की बात करूँ, पीछे आप देख सकते हो चेकर ब्लेड की यहाँ पर मजबूती आपको मिलेगी और साइड का पूरा पोर्शन। और यहाँ आप देख सकते हो गाड़ी का जो एक एक काम है सब मजबूती से हुआ हुआ है। टाटा सिल्क का एंगल यहाँ पर लगा है गाड़ी के अंदर, वहाँ ऊपर नाम देख सकते हैं। और पूरा फिनिशिंग से काम, रेडियम फिनिशिंग से लगी हुई है। अगर आपको एक भी काम अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका अपना ITBB इंदौर, बहुत सारी वीडियोस जो है मैं लेके आ रहा हूँ, कुछ शॉर्ट हैं, कुछ कूल हैं और कुछ ब्रीफली डिस्क्राइब करी गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग अस योर ITBB इंदौर।